नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। लोकसभा चुनाव के सातवें चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है और लोगों के बीच में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जी हां दोस्तों, जो जमीनी रिपोर्ट सामने आ रही है उसके अनुसार सातवें चरण में जनता खुलकर के तानाशाही के खिलाफ में बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे पर मतदान कर रही है। इसके साथ ही जानेंगे कि यहाँ पर राहुल गांधी का क्या कुछ बड़ा बयान सामने निकल के आया है सातवें चरण की वोटिंग के बीच में। और वहीं आप लोगों को बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में ईवीएम को लेकर के ऐसा चौंकाने वाला मामला आया है कि सभी हैरान रह गए हैं। इसके साथ ही जानेंगे कि बिहार के अंदर सातवें चरण के साथ ही वोटिंग के बाद यहां पर खेल की तैयारी पूरी हो चुकी है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लेकर के खबर आ रही है। इसके साथ ही बताएंगे कि चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल को लेकर के आदेश जारी कर दिया है। गोदी मीडिया में हड़कंप मचा है। और वहीं जानेंगे दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबरें, जहां पर यूपी की सातवें चरण की 13 सीटों पर कौन सी पार्टी जीत सकती है, कौन सी पार्टी यहां पर आगे चल रही है, कौन सा गठबंधन जीत सकता है, जानेंगे एक एक करके हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, सभी महत्वपूर्ण समाचार आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। खबरों में बढ़ने से पहले, अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में #WeSupportIndia जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर जो आ रही है बताते चलें, पश्चिम बंगाल से सातवें चरण से खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल में ईवीएम और वीवीपैट को तालाब में फेंका गया है। पश्चिम बंगाल में सातवें और अंतिम चरण की वोटिंग के दौरान कई जगहों से यहां पर झड़प की खबरें सामने निकल के आई हैं। बताते चले, जयनगर लोकसभा सीट के कुलटाली में वोट देने जाने से रोके जाने पर नाराज ग्रामीणों ने मतदान केंद्र से ईवीएम ले जाकर के तालाब में फेंक दिया है। और वहीं बताते चले, इस बीच घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, हालांकि टीम को रास्ते में ही रोक लिया गया। ये यहां पर दोस्तों खबर आ रही है, देख सकते हैं कि कैसे टीएमसी ने भाजपा पर आरोप भी लगा दिए हैं, सबके पीछे बीजेपी की साजिश यहां पर करार दिया है टीएमसी ने। ये खबर आई है पश्चिम बंगाल से। हाल ही में तेजस्वी यादव ने कई मौकों पर ये यहां पर दावा किया है कि चुनावी नतीजों के बाद में बिहार के अंदर बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिलेगा और नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं। यानी कि साफ इशारा था कि नीतीश कुमार की महागठबंधन में वापसी हो सकती है। और वैसी ही अब खबर भी आ रही है, आज आखिरी चरण का मतदान हो रहा है, बिहार की भी कई सीटों पर वोटिंग हो रही है सातवें चरण में। और अब खबर आ रही है कि आज तेजस्वी यादव दिल्ली जा रहे हैं और अब कल नीतीश कुमार भी दिल्ली जाएंगे, बाकी आप लोग समझदार हैं ही। ये यहां पर देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर बड़े दावे लगातार किए जा रहे हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लेकर के। बताते चलें, आज यहां पर इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक बुलाई गई है, चुनावी नतीजे कैसे रह सकते हैं और उसके आगे की प्लानिंग क्या है उसको लेकर के यहां पर चर्चा की जाएगी इंडिया गठबंधन की बैठक में। इसके साथ ही जो बेहद ही चौंकाने वाली खबर आ रही है बताते चलें आप लोगों को, यहां पर सातवें चरण की यहां पर वोटिंग जारी है, जहां पर बलिया में एक मुस्लिम महिला ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। बलिया में खराब ईवीएम मशीन में वोट डलवाया जा रहा है, महिला की शिकायत करने पर पुलिस के द्वारा धक्के मार करके बाहर कर दिया गया। ये सब पुलिस प्रशासन और बूथ अधिकारी की मिलीभगत से हो रहा है, ये यहां पर महिला ने आरोप लगा दिया है। चुनाव आयोग की व्यवस्था सच में लचर है या जानबूझ करके खराब मशीनों को लगाया जाता है? अगर अनुमान निकाला जाए तो हर 10वें बूथ पर ईवीएम खराब पाई गई है। ऐसी कई खबरें सामने निकल के आ रही हैं जहां पर कई जगहों पर मशीनें खराब हुई हैं। इस सब के पीछे आखिर कारण क्या है, चुनाव आयोग को स्पष्ट करना ही चाहिए। आप लोगों की क्या कुछ राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर ही बताइएगा। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जानते हैं। बड़ी खबर आ रही है चुनाव आयोग की तरफ से। जी हां दोस्तों, एग्जिट पोल को लेकर के बड़ा आदेश चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है। चुनाव आयोग ने आज शाम 6:30 बजे से पहले टीवी चैनल्स पर एग्जिट पोल के परिणाम दिखाए जाने पर रोक लगा दी है। 6:30 बजे से पहले चुनाव आयोग का कहना है कि कोई भी टीवी पर एग्जिट पोल नहीं दिखाया जाना चाहिए। ये चुनाव आयोग ने आदेश जारी किया है दोस्तों। इसके साथ ही एक और जो बड़ी खबर आ रही
रही है बताते चले। यहाँ पर कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है, वोटिंग के दौरान देवरिया में बूथ संख्या 128 पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगा है। बीजेपी पर कांग्रेस पार्टी ने बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगा दिया है, जिसको लेकर के चुनाव आयोग से शिकायत भी की गई है। तो यहाँ पर दोस्तों ये हाल है यूपी का, जहां पर 13 सीटों पर मतदान हो रहा है और कांग्रेस पार्टी ने बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है, लेकिन चुनाव आयोग हमेशा की तरह कोई भी कार्रवाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके साथ ही बड़ी अपडेट आ रही है, उत्तर प्रदेश की 13 सीटें हैं दोस्तों सातवें चरण में जहां पर वोटिंग हो रही है। आइए जानते हैं कि इन 13 सीटों में कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन आगे नजर आ रहा है। जी हां दोस्तों, आज पूर्वांचल की 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 2019 में इन 13 में से 11 सीटें एनडीए और 2 गठबंधन जीता था, यानी कि सपा और बीएसपी का जो गठबंधन था उसको 2 सीटें 2019 में मिली थी और 11 सीटें एनडीए के खाते में गई थी। लेकिन इस बार यहां पर माहौल अलग है। इस बार का यहां पर बताते चले जो सर्वे है जमीनी स्तर पर वो क्या कुछ कहता है, सामने निकल के आ चुका है। 13 सीटों का ये सर्वे है जिन पर आज यहां पर वोटिंग हो रही है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं वाराणसी में, जहां पर एनडीए की जीत हो सकती है, लेकिन जीत का मार्जिन यहां पर कम होता हुआ नजर आएगा 2019 की तुलना करें तो। गोरखपुर में बताया जा रहा है जो जमीनी स्तर का सर्वे है वहां पर एनडीए जीत सकता है। महाराजगंज में एनडीए जीत सकता है, कुशीनगर में एनडीए जीत सकता है, घोसी में इंडिया गठबंधन जीत सकता है लोकसभा का चुनाव, गाजीपुर में इंडिया गठबंधन जीत सकता है, बलिया में भी इंडिया गठबंधन जीत सकता है, सलेमपुर में इंडिया गठबंधन, चंदौली में इंडिया गठबंधन, मिर्जापुर में इंडिया गठबंधन, रॉबर्ट्सगंज में इंडिया गठबंधन, बांसगांव में इंडिया गठबंधन, देवरिया में इंडिया गठबंधन। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो इन 13 लोकसभा सीटों में से जिनमें आज यहां पर वोटिंग हो रही है, 4 सीटें मात्र यहां पर जाती हुई नजर आ रही है एनडीए जो कि बीजेपी के नेतृत्व में गठबंधन है उसके खाते में, और बाकी की बची हुई 9 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। यानी कि पिछली बार के मुकाबले यहां पर 7 सीटों का फायदा हो रहा है इंडिया गठबंधन को। यहां पर यह सामने निकल के आया है सर्वे, आप लोग इस सर्वे से सहमत हैं या नहीं कमेंट बॉक्स में हां या ना में जरूर ही बताइएगा। अगर सहमत हैं सर्वे से तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन भी दर्ज करवा सकते हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी बोले, मेरे प्यारे देशवासियों, आज सातवें और अंतिम चरण का मतदान है और अब तक के रुझानों से स्पष्ट है कि देश में इंडिया की सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी बोले, मुझे गर्व है कि झुलसा देने वाली गर्मी में भी आप सभी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए वोट देने निकले हैं। आज भी बड़ी संख्या में बाहर निकलकर अहंकार और अत्याचार का प्रतीक बन चुकी सरकार पर अपने वोट से अंतिम प्रहार जरूर कीजिए। 4 जून का सूरज देश में एक नया सवेरा लेकर के आने जा रहा है। हैशटैग वोट फॉर इंडिया, ये यहां पर कहना है राहुल गांधी का। दोस्तों अगर आप लोग भी राहुल गांधी की इस बात से सहमत है तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवा सकते हैं। समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को अपने सभी दोस्तों में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।